हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनुराधा सिंह और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं माय स्किन केयर एम्प्टीज, जो कि मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर रखा है और सारा मेरा ये फेवरेट मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं और मैं आगे भी इन्हें रीपरचेज करूंगी। सो एज अ कंटेंट क्रिएटर हमें बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ट्राई करने होते हैं, लेकिन ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये मेरे एब्सोल्यूट फेवरेट्स हैं जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही लगाती हूँ। सो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये कौन से मेरे फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं और कुछ ब्रांड्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी में मेरा स्विच होते रहता है, कभी मैंने इस ब्रांड का खरीदा कभी उसका। सो आज मैं आपके साथ अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करें। तो चलिए, सो इसमें स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं जो मैं पार्ट वन में दिखाऊंगी, ये सारा पार्ट वन में जाएगा। उसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो पार्ट टू में जाएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अलग अलग दिखा रही हूँ, सो दैट आपको मैं सारा जो मेरा फेवरेट है वो भी मैं आपको दिखा सकूँ। ऐसा नहीं हो कि कुछ स्किप हो जाए, आपको पता चल जाएगा कि कौन से जैसे बहुत लोग पूछते हैं कि कौन सा मॉइस्चराइजर अच्छा होता है या कौन से सीरम्स अच्छे होते हैं, कुछ ऑप्शंस बोलते हैं कि आप बताओ कौन सा, इतने सारे में से कौन सा अच्छा है, तो मैं यहाँ पर वही सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए पार्ट वन स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। सो सबसे पहले जो है ये है मॉम्सको का अंडर आई क्रीम। इसमें कॉफी ऑयल है, विटामिन ई है एंड B3 है, ये डार्क सर्कल को रिड्यूस करता है, पफिनेस को हटाता है और फाइन लाइन जो होता है, जो भी थोड़ा बहुत फाइन लाइन्स है उसको खत्म करता है। सो ये वाला प्रोडक्ट है जो कि पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, सो ये मैंने खत्म कर दिया है और मुझे ये बहुत, अभी भी मैं इसमें थोड़ा सा लास्ट में निकल गया, कोई बात नहीं लगा लूंगी मैं, तो ये खत्म हो चुका है लेकिन लास्ट में जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो निकल गया है। सो ये सबसे पहला है मॉम्सको का ये अंडर आई सर्कल, सो अंडर आई क्रीम, और ये मेरा फेवरेट है, मैंने ये 4 आई थिंक यूज कर लिया है। लेकिन कभी कभी किसी किसी पैकेजिंग में ना ये प्रॉब्लम होती है कि प्रेस करने पे अच्छे से निकलता नहीं है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट वाइज ये बहुत अच्छा। सेकंड जो है द फेस शॉप का है राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजर, ये मैंने बहुत बारी यूज किया है, ओ सॉरी ये मैंने रीपरचेज किया है, वो वाला है एमटाइड वाला, एक सेकेंड ये रहा एमटाइड वाला। सो ये है जो बिल्कुल खत्म हो गया है, आप देख सकते हो, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अगर आपकी आपके स्किन बैरियर खराब हो रहा है, और कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज्यादा लोग आजकल इतना एक्सपेरिमेंट करने लग जा रहे हैं, लोग बहुत सीरम अप्लाई कर लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कौन सा सीरम अप्लाई करना चाहिए, बस वो लोगों को देख करके ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं और कुछ भी सीरम अप्लाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से स्किन डैमेज हो जाता है। तो ऐसा जो ये सब राइस सेरामाइड जो होता है वो आपके स्किन बैरियर को रिपेयर करता है जो भी डैमेज हो गया है। सो ये वाला राइस सेरामाइड है जो विंटर में तो बहुत अमेजिंग वर्क करता है, अभी अप्रैल में बहुत मेरी स्किन ड्राई हो रही है, हालांकि आपको देखने में पता नहीं चलेगा स्किन, बट मेरी स्किन मुझे ड्राई फील होती है जब मैं फेस वॉश करती हूँ, तो थोड़ी थोड़ी मतलब कुछ देर में ऐसा होता है कि ऑयल आना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इनिशियली ड्राई रहता है। तो अभी मैं यही सब मॉइस्चराइजर ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ जो कि थोड़ा सा ठीक हो, मई से फिर से स्किन मेरी ऑयली होने लग जाती है। सो ये मॉइस्चराइजर जो कि मैंने दोबारा रीपरचेज भी कर लिया है। इसके बाद जो है प्लम का विटामिन सी का 15% सीरम। सो अगर आप बिगिनर हो तो 10% से स्टार्ट करना चाहिए, ये 15% है, मैंने 10% बहुत सारा यूज किया हुआ था, तो मैंने 15% मैंने सोचा कि 15% एक बार यूज करके देखूं, तो ये मैंने यूज किया। और हालांकि अभी मैंने ये एक ही बॉटल यूज किया है, अभी मैंने इसे रीपरचेज किया नहीं है, बट मैं आगे भी इसे रीपरचेज करूंगी क्योंकि ये बहुत अमेजिंग है, आपके डार्क स्पॉट्स को रिमूव करता है और एंटी एजिंग का भी काम करता है। नेक्स्ट जो है मिनिमलिस्ट का ये नायासिनामाइड 10% प्लस जिंक। सो ये नायासिनामाइड जो है, जैसे जिनकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, वही मैं सीरम की बात कर रही थी कि लोग ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हैं और कुछ भी सीरम अप्लाई करने लग जाते हैं, देखते हैं सामने वाला अप्लाई कर रहा है तो मैं भी अप्लाई करूं, लेकिन जो नायासिनामाइड सीरम होता है
जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है उनको अवॉइड करना चाहिए नाइसिनामाइड सीरम, ये उन्हें अप्लाई करना चाहिए जिन्हें भी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है या जिनकी स्किन काफी ऑयली है या जिनको एक्ने प्रॉब्लम हो जाते हैं और स्पॉट्स छोड़ जाते हैं, तो स्पॉट्स को खत्म करता है ये। सो जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनको ये हाइलुरोनिक सीरम यूज करना चाहिए, वो उनके लिए अमेजिंग होता है। सो नाइसिनामाइड बेसिकली ऑयली स्किन वालों के लिए ज्यादा है, ड्राई स्किन वाले इसे अवॉइड ही करें। नेक्स्ट है जो मैं बता रही थी मिनिमलिस्ट का, ये हाइलुरोनिक एसिड 2% प्लस B5। सो ये है और ये मैंने बहुत सारे बॉटल्स इसके यूज किए हैं, 4-5 बॉटल्स यूज किए, मुझे बहुत ज्यादा ये अच्छा लगता है। मैं पहले हाइलुरोनिक सीरम रात में लगा लेती हूँ, फिर नाइसिनामाइड सीरम लगाती हूँ, उसके बाद ये वाला लगाती हूँ। सो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मिनिमलिस्ट का ये लगा सकते हो, या कोई भी ब्रांड आपको जो अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है, मैं आपको अपना बता रही हूँ कि मुझे कौन सा पसंद है। सो ये हाइलुरोनिक सीरम लगा करके आप उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगा सकते हो, आप स्किप कर सकते हो नाइसिनामाइड, वो भी 10% क्योंकि ज्यादा होता है। आपको स्टार्ट करने का ड्राई स्किन वाले हो तो आप 5% से स्टार्ट कर सकते हो। सो ये है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं है, अब आप देख सकते हो। और मैंने इसलिए सारे बॉटल्स को अच्छे से रखे थे क्योंकि मुझे दिखाना था कि ये वाकई में मैं यूज करती हूँ, खरीदती हूँ, और ये सारे मेरे फेवरेट्स हैं जो कि मैंने बहुत सारे बॉटल्स यूज किए। आपने अगर पिछले साल भी देखा होगा, अगर आपने स्किन केयर के वीडियोस देखे होंगे तो आपने देखा होगा उसमें भी मैंने हाइलुरोनिक का ये मिनिमलिस्ट का यूज किया है। मैंने दूसरे ब्रांड का भी हाइलुरोनिक सीरम यूज किया है हालांकि, लेकिन मिनिमलिस्ट जो है मेरा पर्सनली फेवरेट है। सो ये है हाइलुरोनिक सीरम मिनिमलिस्ट का, ये भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। नेक्स्ट है अर्बन बोटानिक्स का 2.5 सीरम, ये भी हाइलुरोनिक सीरम है और बहुत ही अमेजिंग है। मैंने हाइलुरोनिक सीरम इसका भी यूज किया है मिनिमलिस्ट का, और इसका भी यूज किया है अर्बन बोटानिक्स का। ये थोड़ा सा कॉस्टली है और ये थोड़ा सा सस्ते में है, 499 रुपीज है, और ऑनलाइन थोड़ा सस्ते में ये मिल जाता है, और इसका कॉस्ट 599, 100 रुपीज का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस वैसे है नहीं, लेकिन ये भी सीरम बहुत अच्छा है। फिलहाल अभी मैं ये वाले यूज कर रही हूँ क्योंकि मिनिमलिस्ट का मैंने 3-4 बॉटल यूज किया है, और कोई भी प्रोडक्ट ना मैं बहुत ज्यादा दिन तक सेम प्रोडक्ट यूज नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो काम करना कहीं ना कहीं बंद कर देता है। तो मैं थोड़ा सा स्विच करती रहती हूँ प्रोडक्ट्स को, और स्विच करते रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अब आप एक महीने में स्विच कर रहे हो, लेकिन 6 मंथ्स में स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से स्विच कर सकते हो। नेक्स्ट जो है द फेस शॉप का राइस सेरामाइड इमल्सन है, और ये मैंने बहुत ज्यादा यूज किया है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। इवन मेरे हस्बैंड को भी ये वाला बहुत पसंद है, विंटर में तो हमने बहुत ज्यादा इसे अप्लाई किया। पहले ये अप्लाई करके हम मॉइस्चराइजर लगाते थे क्योंकि विंटर में मेरी स्किन भी ड्राई हो जाती है, ऑल्दो मेरी स्किन ऑयली है ऐसे, लेकिन वेदर के अकॉर्डिंग मेरी स्किन भी चेंज होती रहती है, सो फिर ड्राई हो जाती है, और ये बहुत अमेजिंग वर्क करता है इमल्सन। उसके बाद जो है ये राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग टोनर है, क्योंकि अप्रैल तक मेरी स्किन ड्राई रहती है तो मैं ये सारे प्रोडक्ट्स अप्रैल में, जो हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं नवंबर से स्टार्ट करती हूँ हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स जो कि अप्रैल तक यूज करती हूँ। सो ये सारे हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स हैं, और अगर आपकी ड्राई स्किन है आप इवन समर में भी यूज कर सकते हो अगर आपकी स्किन ड्राई है, लेकिन मेरी स्किन क्योंकि ऑयली हो जाती है मई के बाद, मई से अक्टूबर तक ऑयली स्किन रहती है, तो मैं फिर स्विच कर लूंगी अभी प्रोडक्ट्स। सो ये एम्प्टीज हो चुके हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल। उसके बाद जो है आप देख सकते हो दो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, राइस वाटर ब्राइट लाइट क्लींजिंग ऑयल, और इस प्रोडक्ट के साथ मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, मैं बार बार इसी प्रोडक्ट को परचेज करती हूँ, और इवन मैंने परचेज किया और अभी यूज भी कर रही हूँ, और आप देख सकते हो इतना है,
इतना यूज किया है अभी, और मैं इसके साथ मैं एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ क्यों नहीं करती हूँ, क्योंकि ये क्लींजिंग ऑयल है और मेरी स्किन ऑयली है और मैं ज्यादा ऑयल के मामले में मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती। जो मेरे फेस पे सूट कर रहा है बस मैं उसी को कंटिन्यू करूंगी और इसको मैं लाइफ टाइम कंटिन्यू करूंगी। मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। ये दो बॉटल मैंने संभाल कर रखा है, हालांकि मैंने ये तीन बॉटल यूज़ कर लिया और ये चौथा है मेरा। सो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा प्यार है मुझे इस प्रोडक्ट से। सो ये था पार्ट वन। पार्ट वन में मैंने आपको दिखा दिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसीलिए मैंने पार्ट टू का सोचा, और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट्स है वो मैं आपको पार्ट टू में दिखाऊंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करें, और अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से मिलूंगी गाइज मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।